नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल SSC प्रमोद GKGS। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पहला ऑप्शन है श्री BN कृपाल, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है श्री RS पाठक, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है श्री BN राव, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन वह है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह है श्री BN राव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है दो, किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद को सुशोभित कर देश का गौरव बढ़ाया था? इसका पहला ऑप्शन है वो है BN राव, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है श्री RS पाठक, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त में से सभी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है तीन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है वो है ट्रिगवेली, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वो है स्टालिन, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है रूजवेल्ट, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है यू थाट। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है ट्रिगवेली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है चार, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब से भागीदारी कब से प्रारंभ की थी? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 1946 से, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है 1972 से, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 1950 से, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इसके संगठन से ही। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है इसके संगठन से ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है पाँच, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? इसकी जो पहला ऑप्शन है वो है 10, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है 8, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 6, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है 5। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 6, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है इसकी स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है 1945 में, दूसरा ऑप्शन है 1920 में, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 1919 में, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है 1915 में। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है 1919 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है वारसा, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है पेरिस, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है रोम, नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है वो है जिनेवा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जिनेवा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 8, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है लंदन, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है जिनेवा, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है पेरिस, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है रोम। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है पेरिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 9, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है महासभा, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है एक वो दो दोनों, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय जनमत से। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है सी ए व दो दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 10, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 15 वर्ष, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है 5 वर्ष, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 9 वर्ष, नेक्स्ट जो चौथा उसका ऑप्शन है वो है 65 वर्षों की आयु तक। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 9 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 11, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 15, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है 9, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 5, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है 10। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है 15 ए ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 12, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 वर्ष,
नेक्स्ट दूसरा है 4 वर्ष, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है 2 वर्ष, नेक्स्ट जो इसका चौथा है वो है 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है 4 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 13। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है पेरिस में, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है वारसा में, नेक्स्ट चौथा है वियना में। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 14। महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लंदन में, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है जिनेवा में, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है न्यूयॉर्क में, नेक्स्ट जो चौथा ऑप्शन है वो है वाशिंगटन में। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 15। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पहला ऑप्शन है 14 अगस्त 1942 को, नेक्स्ट इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है 14 अक्टूबर 1941 को, तीसरा ऑप्शन है 6 जुलाई 1941 को, चौथा ऑप्शन है 14 अगस्त 1941 को। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 14 अगस्त 1941 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 16। तरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है? इसका पहला ऑप्शन है लोहा, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है कॉपर, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है जिंक, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है कॉपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर है 17। डायनमो एक यंत्र है जो, पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है वह विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 18। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है जर्मन सिल्वर, नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है जर्मेनियम, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है फास्फोरस, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है आर्सेनिक। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है जर्मेनियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 19। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट से, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन वो है कैडमियम से, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है जस्ता से, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है सीसा से। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है ग्रेफाइट से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 20। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वह है ऊर्जा, नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है धारा, नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है ताप। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है धारा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।